को समझ नहीं आ रहा है कि रातों रात आखिर ऐसा हुआ क्या है। क्या मुझे ऐसा लगता है मैं ये मंजर नहीं देख पाऊंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसकी गलती पर जरा सी बेइज्जती। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जाते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। वैसे एक बात कहूँ, तुम यहाँ पीछे जिस लड़की को छोड़े जा रहे हो, मुस्कुरा के रुख से ऐसी बातें मत करो। मेरे होते लिहाज करता रहा, लेकिन आप लोग हद से कहीं और ज्यादा बढ़ते जा रहे। वो नाराज है तुम्हारी वजह से, दुखी है तुम्हारी वजह। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, ड्रामा सीरियल विवाहबाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब जमाल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो अज़रा से कहता है कि अज़रा तुम्हें सुकून क्यों नहीं आता, तुम क्यों दूसरों को लड़ाने में लगी हुई हो, तुम्हें वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत थी, तुमने जो चाहा था वैसा हो गया। अम्मी जान जहाँ से चली गई थी तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी, तुम्हें फरहत के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम कोई ना कोई प्लान बना रही हो उन्हें अलग करने के लिए। बेहतर है कि तुम आज के बाद वहाँ पर मत जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर अज़रा कहती है कि आप हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं, मैं तो वैसे फरहत से मिलने के लिए गई थी। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी भी सूरत में वहाँ पर नहीं जाऊँगी, मैं तो वैसे उससे मिलने के लिए गई थी। जमाल कहता है कि मैं तुम्हारी नीयत को अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस नीयत से वहाँ पर गई थी। देखो अगर वासिफ और फरहत के दरमियान ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। पहले भी तुम मेरी माँ को मुझसे दूर कर चुकी हो, मज़ीद अगर तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ तो मैं बिल्कुल ही तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बात सुनकर अब बहुत ही ज़्यादा अज़रा परेशान हो जाती है। अज़रा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जमाल को उसके बारे में इतनी जल्दी उसकी हरकतों का पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये सब जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द अज़रा का बुरा अंजाम होने वाला है। जो कुछ हो कर रही है वही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो दोस्तों ये सब जब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं, खुद ऑफिस अपना ख्याल रखें।